हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिजिकल वर्ल्ड, इस चैप्टर में हम ये 6 यूनिट्स को कवर अप करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट वीडियो में मैंने ये स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स को कवर किया था, साइंस एंड साइंटिफिक मेथड, फिजिक्स एंड प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया इन फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम 3rd एंड 4th टॉपिक को कवर करेंगे, स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। साइंस एंड साइंटिफिक मेथड में और फिजिकल एंड प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया इन फिजिक्स, इन 2 टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था कि साइंस क्या है, कैसे हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं जब हम उनकी रीजनिंग ढूंढने लगते हैं, उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करते हैं, तो साइंस वर्ड माइंड में आ जाता है। और प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया में हमने पढ़ा था 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट एरियाज होते हैं। थ्रस्ट एरिया मतलब जिस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो वो है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को के लिए या बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए एक सिंगल लॉ का होना, और रिडक्शनिज्म इसका ऑपोजिट होता है। इसका मतलब होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, और उसको समझने के लिए आपने उसे पार्ट्स में ब्रेक किया। अब हम सब ने स्टीफन हॉकिंग्स का नाम तो सुना ही है, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने बताया था हमें कि नेचर में बहुत सारे लॉज होते हैं जिनको नेचर खुद से तोड़ना नहीं चाहता। अब फिजिक्स वर्ड है, हमें ग्रीक से मिला हुआ है और इसका मतलब होता है नेचर, तो इसलिए भी फिजिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है उसको पढ़ना और उसको समझना। तो जब अब नेचर अपने लॉज खुद नहीं तोड़ना चाहता, इसका एग्जांपल है कि जैसे सन है, राइज होता है ईस्ट से, सबको पता है ये चीज़, और सनसेट वेस्ट में होता है। अब ऐसा कभी नहीं होता कि अगर सन का मूड नहीं है तो वो ईस्ट से ना निकल के वेस्ट या साउथ से आ रहा है, तो ये नेचर के लॉज है कि अगर सन राइज हो रहा है ईस्ट से तो चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा सनराइज ईस्ट से ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्कोप ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे एंड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ फिजिक्स, इसका मतलब है कि फिजिक्स कहाँ तक फैला है और फिजिक्स के बारे में हम कहाँ कहाँ तक पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स का मतलब नेचर होता है, तो ऑब्वियसली ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि एक बहुत ही छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट से लेकर यूनिवर्स तक पूरे ब्रह्मांड में फिजिक्स फैला हुआ है, जिसके बारे में आप कहीं पे कुछ भी देखते हैं ना, आपको हर चीज में फिजिक्स दिखती है। तो फिजिक्स बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो 1900 से पहले पहले चीजें, इट मीन्स कि जो बहुत बहुत पहले जो लॉज निकले थे या जो चीजें हुई थी, हम उसको क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। और जो मॉडर्न फिजिक्स है वो आफ्टर 1900, जिसमें जो मॉडर्न फिजिक्स होती है माइक्रोस्कोपिक, और क्लासिकल फिजिक्स इट मीन्स कि मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब वो जिस चीज को ऑब्जर्व किया जा सकता है या नेकेड आइट से हम देख सकते हैं, एंड माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स वो जिसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं या बहुत ही छोटे एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते। मॉडर्न फिजिक्स को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इट मीन्स E=mc², ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी थी, और क्वांटम फिजिक्स भी बोला जाता है। और क्लासिकल फिजिक्स में हमारी ये 4 यूनिट्स में डिवाइड होता है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स ये दोनों टॉपिक्स हमारे 11th के हैं, बट ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम 12th में डीपली स्टडी करते हैं। वही मॉडर्न फिजिक्स हम पूरी की पूरी 12th में पढ़ते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें हमारे आते हैं एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड सेमीकंडक्टर। तो ये यूनिट्स ही, अब जब फिजिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक बहुत ही पहले वाले पार्ट में और एक बहुत ही अब वाले पार्ट में, मतलब कि मॉडर्न फिजिक्स में डिवाइड है और क्लासिकल फिजिक्स में, तो इन दोनों के बीच की जो फिजिक्स होती है उसे हम कहते हैं मेसोस्कोपिक फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, इन दोनों के बीच की जो फिजिक्स होती है उसे मेसोस्कोपिक फिजिक्स कहते हैं। इसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होते हैं। अब जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में मैं जो भी कुछ पढ़ा रही हूँ वो सबकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आपको इजीली इसके नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देन क्लासिकल फिजिक्स
मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये चार टर्म्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम मोशन या स्पीड, डिस्टेंस, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, या फिर प्रोपोगेशंस ऑफ साउंड वेव। देन सेकेंड टॉपिक इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, थर्मो प्लस में डायनामिक्स। इसका मतलब है, थर्मल वर्ड से क्लियर होता है कि इसमें हीट इवॉल्व हो रही होगी, तो इसमें हम हीट इंजन या फिर रेफ्रिजरेटर एफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं। देन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है फिजिक्स में, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लाइट, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन लास्ट इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो हम बेसिकली किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो वो तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज साइज, सेकेंड मास, एंड थर्ड वन इज टाइम। अब इन शॉर्ट ये देखते हैं कि फिजिक्स का स्कोप कहाँ तक है। अगर साइज की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के साइज से लेके यूनिवर्स के साइज तक आप इसमें आइडिया लगा सकते हैं। न्यूक्लियस बहुत ही छोटे साइज का होता है और यूनिवर्स का साइज हम सबको आइडिया है कि कितना बड़ा होता है। तो एक छोटी सी चीज से लेके एक बहुत बड़ी चीज तक फिजिक्स है। सेकेंड वन इज मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास से लेके यूनिवर्स के मास तक फिजिक्स है। एंड लास्ट वन इज जो लाइट पास करती है न्यूक्लियर डिस्टेंस से, उससे लेके जो लाइफ होती है सन की, वहां तक फिजिक्स को हम पढ़ते हैं। एज वी ऑल नो कि साइंस थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो ऐसे ही फिजिक्स जो है ना वो तीनों फील्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा फिजिक्स का रिलेशन होता है ईच एंड एवरी साइंस फील्ड से। सबसे पहला रिलेशन आता है फिजिक्स का मैथ्स के साथ। वो कैसे? क्योंकि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं एंड डेरिवेशंस होती हैं, तो उनको करने के लिए हमारी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड रिलेशन होता है हमारा केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री में हम सब ने स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं, न्यूक्लियर और केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं जो एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होते हैं। एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी इसका कुछ पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलेशन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। अब इसमें सोचने वाली बात है कि इससे फिजिक्स कैसे रिलेट करती है। इससे फिजिक्स लैब में रिलेट करती है। लैब में इट मींस कि हम लोग कोई भी, अगर हमें इसमें बायोलॉजी में अगर हम किसी भी सेल को टेस्ट करते हैं या कुछ भी ऐसी टेस्टिंग करते हैं जो ऐसे एटम्स होते हैं जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, या फिर टेलीस्कोप के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये दोनों चीज़ें या इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भले ही हम लोग बायो के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन दिया वो हमें फिजिक्स में होता है। तो इस तरीके से फिजिक्स इन अदर साइंसेस से भी रिलेट करती है। अब ये तो हमारा था थर्ड टॉपिक, स्कोप ऑफ फिजिक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अब ये क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी से कैसे डिपेंड करती है या टेक्नोलॉजी फिजिक्स पे कैसे डिपेंड करती है। ये दोनों टर्म्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इट मींस कि विदाउट फिजिक्स टेक्नोलॉजी इनकम्प्लीट है और विदाउट टेक्नोलॉजी फिजिक्स भी इनकम्प्लीट है। तो पहले दो पॉइंट्स हैं आपको दे रखे हैं, ईएम वेव्स के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमारे पास टेक्नोलॉजी से वो किस तरीके से रिलेट हुआ, वायरलेस कम्युनिकेशन आया। आज की डेट में हम लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, आईपैड, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट्स आ गए हैं जिसके बिना हम लोग लाइफ सोच भी नहीं सकते। कंप्यूटर बहुत टाइम पहले से हमारे पास है, लेकिन पहले के टाइम में ये होता था कि हमने कभी नहीं सोचा था कि कंप्यूटर को एक मोबाइल फ़ोन रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आज की डेट में ऐसा होता है। इवन हमें लैपटॉप या कंप्यूटर की इतनी नीड नहीं है जितनी ज़्यादा हमें मोबाइल की नीड होती है। तो ईएम वेव्स जब हमने पढ़ी तो हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन आया। तो इट मींस ये टॉपिक था फिजिक्स का, लेकिन ये टेक्नोलॉजी से रिलेट कर गया। सेकेंड वन इज सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन चिप हमारा सेमीकंडक्टर में हम डीपली पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। आपने देखा होगा जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, स्पेशली मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इनमें एक सिलिकॉन की चिप होती है। तो वो फिजिक्स का वर्ड है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी से रिलेट कर दिया। अब जैसे फिजिक्स टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है या टेक्नोलॉजी फिजिक्स पे डिपेंड है, ऐसे ये दोनों टर्म्स आपस में एक्सचेंज होती हैं। अब सेकंड पॉइंट में देखिए, टेक्नोलॉजी किस तरीके से फिजिक्स में आ गई थी।
जब हमने एफिशिएंसी पढ़ी हीट इंजन्स की, या फिर हम ये पढ़ते हैं कि आज की डेट में हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल है मोबाइल फोन। अब जो ये सेल फोन है आपका, इसमें डे टू डे लाइफ में इतने सारे चेंजेस आते हैं। अगर आपके पास अभी एक हैंडसेट है, अगर आप नेक्स्ट हैंडसेट लेते हैं तो उसमें आपको पहले वाले के कंपैरिजन में कुछ अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं या फिर अलग तरीके। अब ऐसे ही हमारे पास जो लैपटॉप्स आ रहे हैं आज की डेट में, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वाले आते हैं, बहुत में चार्जरलेस चार्जिंग होती है, या फिर उनको हम अच्छे से रोटेट करवा देते हैं अपने आप। अगर सेल फोन्स की बात करें तो वो फोल्डेबल आ रहे हैं। इट मींस कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट हो रही है कि पहले के टाइम में जब ये सब चीज़ें आई थी तो हमने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे। तो इसलिए जब इम्प्रूवमेंट की बात आती है कि हीट इंजन्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया, तो हमारे पास फिजिक्स की टर्म आती है थर्मोडायनामिक्स। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा कि जब फिजिक्स में जो ईएम वेव्स हैं या ये सारी चीज़ें जब टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करी, तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं फिजिक्स को कुछ नया देकर गई है या आगे भी दे रही है। इसके अलावा फिजिक्स बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में हेल्प करता है, जैसे एमआरआई स्कैनर जो कि हम हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, एक्सरे, रेडिएशन से हैं, थेरेपी हैं, कैंसर ट्रीटमेंट की, माइक्रोवेव्स, कंप्यूटर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड मैनी मोर। Thank you so much for watching. Stay tuned with our channel for more videos.